अस्सी डिग्री मिलता है, सत्तर अस्सी डिग्री कस्टमर को मिलता है। प्लस कंप्लेन नहीं आती कि पानी हॉट चाहिए, हॉट का मतलब हॉट ही होता है, बिल्कुल हॉट है। टेक जो है, आप नाम तो बोले थे पहले की पहली बार सुने हैं, अब आपको कैसा लगा, कैसी है ये कंपनी? काम तो अच्छा है इसका। हाँ नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक नए रिजॉर्ट के अंदर, जहाँ हॉट वाटर का काम हम लोगों ने करवाया है। और ये सारी जो मशीनें देख रहे हैं, ये दो हॉट वाटर का टैंक है, दो दो हज़ार लीटर के दो टैंक हैं। और इसके साथ साथ हमारा ये एक जो है हीट पंप लगा हुआ है, और इसी से ये दोनों है। और आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा रिजॉर्ट जो है ये इस तरह से है। ये देखिए, ये आप ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ये इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक तकरीबन 40 कमरे हैं। और एक ये नई लाइन आप देख रहे हैं, ये नई लाइन हम लोग डाल रहे हैं इसमें, एक डिलीवरी का है। ये दूर तक आप देख रही है, वहाँ तक डला हुआ है, ये यहाँ तक, ये एक डिलीवरी का है और दूसरा जो है ये रिटर्न का है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से आपका इधर भी गया हुआ है कनेक्शन, जो वहाँ इसमें और भी हीट पंप लगा हुआ है। टोटल यहाँ 50 कमरे हैं, और भी हीट पंप लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा हीट पंप है। जनरली मार्केट में तो आप हीट पंप देखते ही रहते होंगे, तो हमारा ये सनटेक हीट पंप है। ये ब्रांड जो है वो सनटेक की है, और ये जो मॉडल है, ये मॉडल है SCS 350 HT, मतलब हाई टेम्परेचर। मार्केट में नॉर्मली जो है 55 डिग्री टेम्परेचर का आता है हीट पंप, ये 80 डिग्री तक पानी को गर्म करता है। इसकी खासियत ये 80 डिग्री है, और इसकी जो थ्रो है, एयर थ्रो, देखिए ये आपका वर्टिकल है, और ये जो लोड लेती है बिजली की, ये बिजली की 35 किलोवाट का है, और ये लोड जो लेता है इनपुट आपका जो है ये 8.3 किलोवाट है, और 35 किलोवाट ये देखिए ये के बराबर हीट जनरेट करके देता है। अब सब लोग जानते हैं कि हीट पंप और टैंक के बीच में ये जो पंप होता है रिसर्कुलेशन का, ये ब्रिज का काम करता है। ये इसका टेम्परेचर सेंसिंग वायर है, जो हीट पंप से आकर के टैंक के मिडिल में कनेक्ट हो गया है थर्मोवेल के अंदर। यहाँ से टेम्परेचर जो है टैंक का कलेक्ट करके ये सिग्नल देता है हीट पंप को। और इसका फ़ायदा मिडिल में लगाने का ये होता है कि जो टेम्परेचर यहाँ पर अगर हमने 60 फीट कर रखा है, तो ऊपर में टंकी का पानी जो होगा 70 होगा या 75 डिग्री होगा। ये इसका मिडिल में लगाने का फायदा होगा। जो ऊपर का एरिया है, इसके अंदर जो कवर है, ये मेन होल है कि कभी भविष्य में जब स्केलिंग वगैरह होगी तो यहाँ से खोल करके इसकी स्केलिंग को दूर किया जा सकता है। दूसरी इसकी खासियत है कि ये सिरेमिक पेंटेड टैंक है, और ये सेफ्टी वॉल वगैरह आप देख रहे होंगे लगा हुआ है बहुत ही, और ये इसका वर्टिकल थ्रो ये आप देख रहे हैं। पहले यहाँ पर जो है इस तरह से आप देखिए कई सारा गीजर लगा हुआ था, यहाँ पर भी है, इधर बाथरूम है, चार बाथरूम इस तरफ है और चार बाथरूम इस तरफ है। उसके लिए ये गीजर लगा हुआ था, काफी परेशानी होती थी कस्टमर्स को। और जब से ये लग चुका है, अभी हालांकि काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन डिलीवरी इसकी दे दिए हैं हम लोग वाटर की, तो अभी तक यहाँ पर जो है ये गर्म पानी से कस्टमर सेटिस्फाइड है। अगर मैं थोड़ी बात करूं कि इसका कनेक्शन किस तरह से हुआ है, तो ये जो दोनों टैंक है ये इंटर कनेक्टेड है, ये हमारा कोल्ड वाटर का लाइन है। ये जो NRV से इस तरह पे ये कोल्ड वाटर इंटर कर रहा है, और कोल्ड वाटर इंटर करने के बाद ये लाइनें जो है हमारी, ये दोनों जुड़ी हुई है, और यहाँ से ये हीट पंप पानी को ले रहा है, ये इसके अंदर सक्शन कर रहा है, और उस तरफ से इस टैंक में ये डिलीवरी दे रहा है। हॉट वाटर की डिलीवरी जो है वो इस तरफ से आ रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं, अगर मैं दिखाऊं कि कितना गर्म पानी है, तो जरा सा दिखाना गर्म पानी कितना है इसके अंदर। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए,
ये देख रहे हैं बाष्प आ रहा है, इतना ज्यादा गर्म है इतना। तो ये इसकी हीटिंग रेंज है। अब मैं हीट पंप के कंडेंसर के बारे में आपको बताता हूँ, ये पीले वाला जो है ये क्या काम करता है। कि सबसे पहले इसका देखिए कंडेंसर एरिया, इसका जो कंडेंसर एरिया है ये चारों तरफ से बहुत ही बड़ा कंडेंसर एरिया, और जितना जिसका कंडेंसर एरिया बड़ा होगा उतना उस वो जो है एयर को सक करेगा और उतना अधिक वो हीट जो है जनरेट करेगा। इसका ये कंडेंसर एरिया है, वर्टिकल थ्रो इसका है। दूसरा इसमें जो नीचे के पार्ट में है, ये नीचे के पार्ट में ये भी ढक्कन खुलता है, ये ढक्कन भी खुलता है और ये भी खुलता है। इस तरफ से इसमें जो है वाटर का कनेक्शन है और यहीं पर जो है हीट एक्सचेंजर इसमें इंस्टॉल्ड है। और ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, इस पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है, कनेक्शन है इस ढक्कन के अंदर, और यहीं से सारा इलेक्ट्रिकल पार्ट इसके अंदर जुड़ा हुआ है, वो भी मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिकल केबल इधर से जा रही है, ये इधर से एंटर कर गई है। तो ये, और अभी हीटिंग मैंने इसकी दिखाई थी कि किस तरह की इसकी हीटिंग है। आप इस तरह का इंस्टॉल करते हैं हीट पंप, तो इसमें एक जो ये हमारा मेन रिसर्कुलेशन पंप है, इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले तो इसका जो फ्लो रेट है, इसमें देखिए इसमें फ्लो रेट दिया हुआ होगा कि कितना लीटर का फ्लो रेट इसको चाहिए, इस पर नहीं है, इसमें फ्लो रेट नहीं है मेंशन, लेकिन ये है कि तकरीबन 7000 लीटर के आसपास इसको सर्कुलेशन वाला चाहिए। और दूसरा इसमें 120 डिग्री टेम्परेचर, जनरली पंप जो होल्ड करता है वो 60 डिग्री के आसपास होल्ड करता है, लेकिन इसमें जो चाहिए पंप 120 डिग्री टेम्परेचर होल्ड करे, नहीं तो क्या होगा कि पंप का मैकेनिकल सील ही खराब हो जाएगा। अब चलते हैं इस रिजॉर्ट के दूसरे डेस्टिनेशन पे, जहां हमारा दूसरा हीट पंप लगा हुआ है। यहां कई सारा पहले गीजर लगा हुआ था, ये वीडियो पहले भी मैंने दिखाया है, और देखते हैं कितना गर्म पानी, कितना गर्म है, ये यहीं से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए धुआं उठ रहा है पानी, ये इतना गर्म है। वक्त जी, आपने पहले एक वक्तव्य दिया था, इस बार कैसा लग रहा है? अब तो पूरी प्रॉपर्टी में भर गया, तो हमारा अभी आधा काम हुआ है। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे तो पानी से कैसा आपको लग रहा है? पानी हमारे जो है व्यूअर आपको बहुत पसंद करते हैं। 70 डिग्री टेम्परेचर है इसका एक्चुअल में। अच्छा, 70 से 80 के बीच में टेम्परेचर हमें मिल जाता है। कस्टमर क्या कहता है, कस्टमर का फीडबैक? ये तो आपका है, तो कस्टमर को क्या, कस्टमर को तो गर्म पानी चाहिए जितना अवेलेबल करा। कितना मिल जाता है? 70-80 डिग्री मिलता है, 70-80 डिग्री कस्टमर को मिल जाता है। कंप्लेंट नहीं आती कि पानी हॉट चाहिए, हॉट का मतलब हॉट ही होता है, बिल्कुल हॉट है। टब वगैरह सब जो है फुल यूज कर रहा है। चलिए ठीक है, अगले देखते हैं कि अगला कहाँ पे लगा हुआ है। 11000 लीटर का हमने तुमसे स्टॉक खरीदा हुआ है। हाँ, 11000 लीटर है हमारे पास। अब तो नई लाइन बिछ गई और सब कुछ हो गया है, तो ये कंप्लीट हो गया। अपने हीट पंप के तीसरे डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ भी 20 किलोवाट का और 1000 लीटर टैंक के साथ ये हीट पंप लगा हुआ है, सेंटेक का है। वैसे दीपक जी, आप सेंटेक जो है, आप नाम तो बोले थे पहले की पहली बार सुने हैं, अब आपको कैसा लगा, कैसी है ये कंपनी? काम तो अच्छा है इसका। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है सनटेक का तीसरा डेस्टिनेशन है, जो इस तरफ के बाथरूम को और ये सामने स्पा एरिया है, इस तरफ के बाथरूम को दे रहा है। और इसकी भी हीटिंग मैं दिखाता हूँ कि कितनी है पानी इसकी गर्म। देखिए, बास उठने से पता लग जाता है कि कितना पानी गर्म। ये भी वर्टिकल थ्रो है। अब मैं उस जगह पर ले चलता हूँ जहाँ से ये पहले पुराने सिस्टम से गर्म पानी ले रहे थे। इनका जो एग्जिस्टिंग पहले जो यहाँ पर लगा हुआ था हॉट वाटर का, वो दिखाने के लिए। ये बेसमेंट में है, यहाँ पे जो पहले ये देख रहे हैं, यहाँ ये बॉयलर लगा हुआ था, पहले दो दो डीजल बॉयलर था, और दोनों डीजल बॉयलर लगने के बाद भी यहाँ समस्या जो थी बरकरार थी।
यह डीजल बॉयलर है। डीजल भी ज्यादा पीता था और पानी भी कम मिलता था क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो जा रहा था इसमें। यह हमारा जो है एग्जिस्टिंग डीजल बॉयलर था जो अब हमारा बंद हो चुका है। जब से हमने हीट पंप लगाया है यहां से ये सारी कनेक्शन जो है अब यहां से हट करके ये किसी दूसरे यूज में आएगा।